तो इस टॉपिक के अंदर हम क्विकली देख लेंगे कि और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि हमने कुछ कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल सेक्शन एलिवेशन लोकेशन प्लान डोर विंडोज की शेड्यूलिंग ये तो कर ली है लेकिन बाज़त कुछ और कंपोनेंट्स भी जो डिमांड किए जाते हैं तो क्विकली uh, मैं आपको ओवरव्यू करवा दूंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इस इसी ही कॉन्टे लेक्चर uh, के अंदर क्विकली uh, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन ड्राइंग्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जब uh, की अप्रूवल आपने घर बना लेते हैं ड्राइंग आपने एक नक्शा बना लिया है और आप किसी भी अथॉरिटी के अंदर गए हैं किसी टी के अंदर गए हैं किसी म्यूनसपल कमेटी के अंदर गए हैं तो वहाँ पे जहाँ से मंजूरी हम कहते हैं नक्शे की मंजूरी तो वहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरह रिक्वायर्ड होते हैं तो मैं आपको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि लाहौर में मौजूद है एलडीए के नाम से उसका थोड़ा सा क्विकली प्रोसेस दिखा दूंगा कि वहाँ पे अगर आपने घर की मंजूरी लेनी हो नक्शे की तो किस किस तरह प्रोसेस क्या होता है यानी फर्स्ट सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब नक्शा जमा कराना है तो वो कहाँ कराना है और स्टेप वाइज़ तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी तो अनवर्ड तकरीबन इसी तरह का यही मिलता जुलता प्रोसेस तकरीब पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो रहा होगा जहाँ भी आप अगर आप पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं अगर आप बाहर कर रहे हैं तो उनके डेफिनेटली अपने प्रोसीजर नॉर्मली यही होता है कि आप जब प्लान जमा कराते हैं तो आपको बिल्डिंग एक, एक प्लान फीस जम देनी पड़ती है उसके बाद आपका प्लान की ऑनरशिप वेरिफिकेशन हो जाती है घर की कि आपकी जमीन अपनी है या नहीं है तो प्रोसेसिंग होती है सो हम क्विकली जो है सबमिशन ड्राइंग्स को देख लेंगे मैं एक आपको एक नई एक फाइल दिखाऊँगा अपनी बनी हुई जिसमें हम देखेंगे कि ये ये ड्राइंग्स भी बाजू इसके अंदर हम इन्जर्ट कर देते हैं बाजा ये जस्ट बनी बनाई एज इट इज़ ये ऐड कर देते हैं और ये मैं आपकी इस डाउनलोड सेक्शन में कुछ ड्राइंग्स जो नज़र आ रही होंगी उसके अंदर ये कंप्लीट ड्राइंग्स भी मौजूद होंगी आपके रेफरेंस के लिए सब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ क्विकली ताकि हम ओवरव्यू करके फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सबमिशन ड्राइंग्स का के हवाले से थोड़ी सी बात कर सकें सो ये हमारे पास कोई भी एक जो है वो एक फ़ाइनल ड्राइंग मौजूद है सबमिशन ड्राइंग किसी भी घर की तो यहाँ पर अगर नोट करें तो सबसे पहले हमारे पास ये दो प्लान्स हैं फर्स्ट और ग्राउंड और ये ममटी अगर टॉप में ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से ऊपर अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो और ये हमारे पास जो है वो शेडूलिंग है डोर्स और विंडोज़ की जो कि हम अपनी कर चुके हैं ऑलरेडी हमने भी अपना जो है वो कम्प्लीट कर लिया हुआ है और इसके साथ हमारे पास आप ऊपर आ जाते हैं तो ये एलिवेशन है जो हम बना चुके हैं ये उसका सेक्शन है जो हम ड्रा कर चुके हैं ये लोकेशन प्लान है ये भी हम बना चुके हैं ये अगर आप सेक्शन काटना चाहें हमने तो एक सेक्शन काटा था अगर आप चाहें तो आप और सेक्शन भी काट सकते हैं ये उसकी बाउंड्री वॉल के डिटेल्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा फर्दर डिटेल्स हैं जो कि हम एज इट इज़ नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके आप अपने पास ब्लॉक बना के रख सकते हैं और आप साथ ऐड कर सकते हैं ये फाउंडेशन डिटेल्स हैं कि जो दीवार ये दीवार स्टार्ट तो यहाँ से दीवार के नीचे क्या है तो आप देखें तो वही जो चीज़ हमने डिस्कस की है पी है और इसके बाद फर्दर लेयर्स और ये हमारा रिचार्ज पेट है ये आजकल बड़े शहरों में लाहौर की तरह में वहाँ जरूरत होती है कि आपका जो बारिशों का पानी आता है उसको आप किस तरह जो है वो जब वो नीचे आपके ग्राउंड में आता है तो रिचार्ज पिट देना है आपने ताकि वो पानी जो है एज़ इट इज़ ग्राउंड के अंदर चला जाए उसको दो तीन फ़ायदे हैं एक तो वो पानी बाहर रोड पे जाएगा तो वो रोड की ब्लॉकेज नहीं होगी बारिश के बाद पानी की वजह से और दूसरा हमारा जो वाटर टेबल ग्राउंड का लेवल है वो ऊँचा होता रहेगा ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर वर्क कर करके और आप आपको ये जमा कराना होता है घर के अंदर एक ऐसी जगह ज़रूर दें जहाँ पानी इकट्ठा होगा और वो ज़मीन में जजब हो जाएगा तो ये हमारे पास जो है इससे नीचे अगर आ जाए तो ये हमारे पास सेप्टिक टैंक की डिटेल्स हैं जो हमारा नीचे मौजूद होता है ये ओवर हैड रेजर्वायर जो ऊपर हमने घर के दिया हुआ है जिसके अंदर पानी हम स्टोर भी कर रहे होते हैं उसकी डिटेल्स तो ये हमारे पास जो है ये अंडरग्राउंड अगर टैंक हमारा है तो उसकी डिटेल्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर रेजर्वायर ये डोर्स और इसकी शेड्यूलिंग है तो ये हम इसमें से अब जब अपनी ड्राइंग्स फाइनल करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपने प्लान के अंदर ताकि हमारी जो फाइनल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने पी में इम्पोर्ट करके इसकी जो है वो प्रिंटिंग करानी है उसमें हम एज इट इज़ उठा लेंगे ब्लॉक्स को और इसके साथ पैरेलल ये क्विकली जो है हम एक प्रेजेंटेशन से जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं जिसमें हम आपको वेरी क्विक जो है वो समझा देता हूँ तो ये एलडीए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रोसेस है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जब आपने घर का नक्शा बना लिया हुआ है तो किन मराहल से आपको गुजरना पड़ता है जब आपने मंजूरी लेनी है उस नक्शे की अप्रूवल लेनी है तो ये लाहौर डिवलपमेंट अथॉरिटी तकरीबन पाकिस्तान की किसी भी अथॉरिटी के अंदर किसी भी टी एम ए के अंदर किसी भी म्यूनसपल कमेटी के अंदर इसी तरह के ही प्रोसेस होंगे जब आप गो थ्रू करेंगे सबसे पहले कि बिल्डिंग प्लान जो है वो नेसेसरी क्यों है इसमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देखी जाती है वेंटिलेशन चाहिए यानी आप अथॉरिटी को ये कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है अथॉरिटी क्यों अप्रूवल देती है उन्होंने दे आप खुद से अगर घर बना लें तो नुकसान क्या हैं और अगर अथॉरिटी के पास आपने मंजूरी ली है नक्शे की जाके तो उसके फायदे क्या हैं तो उसमें एक तो आपकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चेक कर दी जाती है कि आप जो घर बना रहे हैं उसके क्या वो लोड बेयर कर पाएगा नहीं वेंटिलेशन की है या नहीं है बिल्डिंग मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं क्या आपने आग अगर इन न करें लग जाए घर को तो उसकी कोई अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है घर के अंदर की सर्कुलेशन स्पेसेस क्या हैं सीवरेज ड्रेनेज प्लान आपने किस तरह बनाए हुए हैं और क्या वो लिंक किए हुए हैं मेन से या नहीं स्थैटिक व्यू क्या है और ये अब यहाँ पे लाहौर के, के केस में एलडीए के, के केस में तीन तरह के प्लान्स आते हैं एक को हम डिस्कस कर लेते हैं बाकियों का प्रोसेस भी तकरीबन सेम है रेगुलर स्कीम अप्रूवल प्लान के एलडीए की जो अपनी जो स्कीम्स बनी हुई हैं जो रेगुलर स्कीम्स हैं उनका अगर प्लान आए तो तरीकाकार क्या होता है तो सबसे पहले आपने वन विंडो सेल ये आजकल बड़ी अथॉरिटीज़ में मौजूद है हर जगह पे वन विंडो सेल आप सबसे पहले आते हैं अथॉरिटी के बाहर आपने वन विंडो सेल बना हुआ है वहाँ पर आपने आके अपना प्लान जो है वो जो आप बना के ले आए आपने जमा करा दिया और अप्लीकेशन जमा कराई आपने ड्राइंग स्क्रूटनी होगी आपने जो ड्राइंग जमा कराई है वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा वहाँ पे इंस्पेक्टर बैठे होते हैं वहाँ पे टाउन प्लानर बैठे होते हैं वो चेक करते हैं कि आया जो आप प्लान बना के ले आए हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं या नहीं इसके फ़ौर बाद आपको चलान फॉर्म इशू कर दिया जाएगा कि आप प्लान फीस जमा कराएँ अप्रूवल के लिए इसके बाद आपने वो फीस जब जमा करा दी तो आपको वन विंडो सेल जो है ये एक की कॉपी दे देगा इस तरह की कॉपी ये जो है सामने नजर आ रही है और ये आपके इसी लेक्चर के डाउनलोड के अंदर आपको ये प्रेजेंटेशन मिल भी जाएगी आप देख भी सकते हैं एज इट इज़ मैं रखवा दूंगा सो तो ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वन विंडो सेल आपको ये जारी कर देगा इसके बाद आपने क्या करना है ये फाइल आपकी जो है वो रेकॉड कीपर को चली जाएगी आपने फीस जमा करा दी आपको स्लिप मिल गई रेकॉड कीपर को जाएगी वहाँ पर डीमारकेशन होगी ये अगर आप देखें तो अब आपका प्लान जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो डीमार्क करेगा कि एग्जैक्ट किस जगह पर है उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं ये डीमारकेशन हो गई इसके बाद क्या है ऑनरशिप वेरिफिकेशन आपने तो जमा करा दिया है तो चेक ये किया जाएगा कि क्या ये घर है आपके नाम या नहीं तो हर अथॉरिटी के अंदर एक सेल होता है जो कि वर्क कर रहा होता है जिसमें अक्सर आपके पटवारी भी बैठे होते हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि आया ये प्लाट एक्स वाई जी किसी भी बंदे जिस बंदे ने यह प्लान जमा कराया उसके नाम है या नहीं वो इसकी वेरीफिकेशन करेगा और ये अगर हम चेक करें तो ये इस तरह करके ये रेकोजिशन हकूक़ मलकियत कि क्या इसकी मलकियत है या नहीं है प्लाट का नंबर क्या है रकबा क्या है ख़रीदार कौन था सो इस तरह की सारी डिटेलिंग इसके अंदर आ जाएगी इसके साथ जो है हमारे पास पोजेशन वेरिफिकेशन आ जाएगा कि इसका घर ये पोजेशन लेटर आपको जारी किया जाएगा सिक्योरिटी फीचर पेपर है ये और ये जो है ये बहुत रेयर ये सिर्फ एल के पास ही मौजूद है ये पेपर आपकी पोजिशन का कंप्लीशन हो जाएगी नेक्स्ट क्या होगा जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो जो आपका बिल्डिंग क्लर्क है वो तीन फॉर्म आपको यहाँ जारी करेगा फॉर्म सी वन जिसमें यह किया जाएगा कि ये जाए वकुआ इमारत बनाना मकसूद है उसकी पड़ताल हो चुकी है नहीं है फीस कब वसूल किया आपने ये आपका जो है वो आ, बिल्डिंग प्लान आ, वन हो जाएगा इसके साथ आपको इसका फॉर्म फॉर्म सी का दूसरा पार्ट दिया जाएगा जिसमें इंस्पेक्टर जो तमीर का है वो बताएगा कि तमीर कब शुरू हुई मुआयना क्या किया उसने और इसके साथ आपका फॉर्म थ्री जो टेक्निकल रिपोर्ट है कि ये भी आपका इंस्पेक्टर तामीरात जो है वो आपको जमा कराएगा और इसके बाद यहाँ पे टाउन प्लानर्स जो हैं वो उनके सबके साइन हो जाएंगे और आपकी अप्रूवल यहाँ पे और इसके बाद कंसर्न ऑफिसर को भेजी जाएगी फाइल और इसके बाद ड्राइंग ब्रांच फॉर टेक्निकल रिपोर्ट आपकी टेक्निकल रिपोर्ट आ जाएगी कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग साइट रिपोर्ट करेगा और इसके बाद आपको अप्रूवल हो जाएगी इन केस अगर आपने रीबिल्ड प्लान करना है फॉर एग्जांपल आपका घर बना हुआ है और आपने उसके अंदर कुछ नया चीज़ बनानी है कोई ऑडिशन या आल्ट्रेशन करनी है ऐसा भी हो सकता है कि घर ऑलरेडी बना हुआ है और कुछ तब्दीलियाँ करनी है तो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ रिकवरी और उसके पास जाती है इसके बाद ये दूसरा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का प्रोसेस है अगर आपका घर किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अंदर है उसका भी मोरलेस यही प्रोसेस है इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के बिल्डिंग प्लान्स नॉर्मली आते हैं अथॉरिटीज़ के पास उसमें कमर्शियल हैं रेजिडेंशियल हैं इंडस्ट्रियल हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के आ जाते हैं अब बिल्डिंग प्लान्स जो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान बाय कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या क्या होते हैं सबसे पहले आपको प्रपोज प्लान देना होता है अगर आपने रिवाइज़ किया है, एडिशन, अल्ट्रेशन किया है रीबिल्ड किया है रिवाइज़ रीबिल्ड किया है और आपको जो है वो मुख्तफ स्टेज पे बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल मिलती है सबसे पहले आपको जो है वो 38 फीट तक अप्रूवल अथॉरिटी देगी फॉर एग्जांपल बेसमेंट की दी प्लिथ लेवल तक आपने जब प्लिथ लेवल कंप्लीट कर दिया आप अथॉरिटी के पास गए कि मैंने जो है वो मेन वर्क कर लिया है अब वो आपको अठतीस तक इजाजत दे, दे देंगे कि आप थर्टी फीट बना लें और अगर आप थर्टी फीट के बाद गए तो आपको थर्ट से अबव की अप्रूवल मिलेगी अब ये जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आपने कि आपको किसी को गाइड करना पड़ सकता है तो उसमें ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं अगर आपके पास कोई ट्रांसफर लेटर है आपने जायदाद खरीदी है वो आपके पास होना चाहिए सी एन आई होनी चाहिए अपलीकेशन फॉर प्लान अप्रूवल जो आपने देनी है कि ये मेरा मैं घर बनाना चाह रहा हूँ उसकी दरखास्त होनी चाहिए पोजेसन लेटर की आपके पास कॉपी होनी चाहिए कि आप ज़मीन वाकई पोजेस्ट करते हैं साइट प्लान होना चाहिए या हम ओपन कर लेते हैं या हमने बना चुके हैं ऑलरेडी ये जिस तरह के ये रोड गुजर रही है और ये प्लाट है आपका इसके साथ आपके पास एफिडेविट होना चाहिए ये बयान हल्फी जो होता है जिसमें आप क्लेम करते हैं कि आपका ये फिफ्टी रुपीज़ का चलान नॉर्मली होता आ जाएगा और इसके पास आपके पास बिल्डिंग प्लान जो आपने कंप्लीट किया उसकी चार कॉपीज़ आपने करनी है और अगर लेटर अगर आपकी सोसाइटी प्राइवेट है तो वहाँ से आप एक लेटर लेकर आएंगे जिसमें वो बताएंगे कि इस बंदे ने प्लाट ऑन किया है और फॉरवर्डिंग लेटर है और इसके बाद ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एड बी फॉर्म अटैच हो जाएंगे आपके साथ और ये फ़ीस शेड्यूल है कमर्शियल के कॉन्टेक्स में हमें पंद्रह जो है वो पर स्क्वायर फीट फीस देनी होती है और यानी ये तकरीबन एक मरला की जो है ये वन सिक्सटी टू बन रही है और रेजिडेंशियल के, के केस में रेट्स रिवाइज हुए हैं तो पाँच रुपए पर स्क्वायर फीट यानी आपका जितना भी स्पेस आपकी बन रही है टोटल उसको आप पाँच हजरब दे, दे दें तो जितनी आपकी फीस होगी जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब आप अप्रूवल लेने आते हैं अप्लीकेशन देते हैं तो फौर वो आपसे चलान फॉर्म जारी करते हैं कि आपके घर का इतना एरिया है तो इतनी फीस आपकी बनती है और आपने जमा करानी है ये एल का ही लेटर है तो ये हमारे पास रिवाइड फीस है और डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है लोकेशन प्लान देना है स्पेसिस कितनी छोड़ी हैं फ्रंट एलिवेशन सेक्शन इन फाउंडेशन डिटेल्स स्टेयर डिटेल्स अगर आपने देनी है अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स ये प्रेजेंटेशन मैं रखवा रहा हूँ तो आपके लिए आसानी होगी और ये पिक्चर्स भी साथ होंगी आप देख भी सकते हैं अब डेमोशन भी होती है अक्सर जब आप वायलेट करते हैं अब सवाल ये आता है कि अगर ये घर मैंने अप्रूव करवा ली है और मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाता अगर डिफरेंट बना लेता हूँ मैंने प्लाजा अप्रूव करवाया है उसके बाद अथॉरिटी डेमोलूशन करते अक्सर आप देखते होंगे जो है वो बड़े बड़े क्रेन्स आई होती हैं बिल्डोजर्स आए होते हैं फिर डेमोल्यूशन होती है इलीगल इनक्रोच्ड एरिया जो आपने गैर कानूनी तौर पर अगर किसी ने किया हुआ है उसको गिराया जाता है जिसके तरीक़ाकार भी हैं पहले नोटिस जारी करते हैं नोटिस के बाद उसकी डेमोलूशन हो जाती है जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक नोटिस है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने जो है वो खिलाफ वर्जी की है तो आप ठीक करें अदरवाइज़ हम उसको कर लेंगे ये हमारे एक और नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको लेटर दिया था और आपने उसको ठीक नहीं किया और आखिर में ये हमारे पास है डेमोलूशन ये अगर आप नोट करें तो इस तरह के आजकल आपकी काफ़ी आपने देखे होंगे इस तरह की इमारतें गिर रही होती होंगी सो इसके बाद ये लेटर पूरा प्रोसेस है और इसके बाद वॉलेशन की दो टाइप्स होती हैं कंपाउंडेबल है, है नॉन कंपाउंडेबल है कुछ वायलेशन होती हैं जिनको आप जुर्माना लेके आप उसे भग देते हैं लेकिन कुछ वॉलेशन अगर स्ट्रक्चर में उसने कर दी हैं तो वो नॉन कंपाउंडेबल होती हैं जिसको गिराया जाता है सो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि कौन सी और हमारे पास सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं जो नॉर्मली हम साथ देते हैं और कुछ को एज़ इट इज़ ब्लॉक से कॉपी कर लेते हैं और ब्लॉक हम आप कुछ फाइल्स हम डाउनलोड सेक्शन में रखवा भी रहे हैं आपकी आसानी के लिए आप उसमें गाइडेंस के लिए और फिर हमने क्विकली जो है वो प्रोसेस देखा अप्रूवल का कि अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, के केस में अगर आपने और तकरीबन ये हर जगह एक ही जैसा होता है कि आप आए हैं और आपने दरख्वा जमा कराई है साथ आपने ड्राइंग्स दी हैं बिल्डिंग फ़ीस जमा कराई है और किस किस तरह स्टेप वाइज़ वेरिफिकेशन होती है और आखिर में आपको अप्रूवल दी जाती है फिर हमने देखा कि आप अगर किस किस तरह आपको स्टेप वाइज अप्रूवल मिलती है सबसे पहले आपने प्लिन लेवल तक लेके आए फिर आपको अठतीस फुट तक इजाजत मिलती है और फिर इसके बाद आप ऊपर जाएँ फिर हमने देखा कि अगर आप वॉयेशन करते हैं तो किस तरह आपको जो है वो गिराई जाती हैं चीज़ें उनको लेटर्स तो ये अगर लेक्चर आपके पास होगा तो आप फ्यूचर में किसी को गाइड कर सकते हैं आई होप इन चीज़ों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी